जय श्री कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू। अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 3 ग्लास नारियल का बुरादा, 1.5 ग्लास चीनी ली है मैंने और 3 ग्लास मैंने दूध लिया है। हम इन सब को एक साथ डाल देंगे। इसे लो फ्लेम में कर दूंगी मैं और इसमें हम ये चीनी भी डाल देंगे। तीनों को एक साथ हमने पकाना है धीमी आंच पे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक बन चुकी है और इसे अभी 15 मिनट और लगेंगे बनने में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी सूख गया है और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब ऐसे हम लड्डू बना लेंगे और इसमें रखते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लड्डू मैंने बना रखे हैं। बस इसको रोल किया और इसमें रखते जाएंगे और ऐसे सूखा नारियल डालकर इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों लड्डू भी रेडी हो गए हैं। इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, नारियल के लड्डू रेडी हैं और ये बहुत ही इजी है बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। सिंपल सी रेसिपी है ये, आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जितने ही देखने में सुंदर लग रहे हैं, अंदर से खाने में उतने ही सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएँ। जय श्री कृष्णा।